जहां एक तरफ देश अपनी आजादी की खुशियों को मना रहा है, वहीं दूसरी ओर एक आजाद हिंद फौज का सच्चा सिपाही बेलीराम के परिवार की जमकर अनदेखी होती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के गांव गरोडू डाकघर कनेड़ के स्वर्ग सिधार चुके बेलीराम का परिवार सुविधाओं को तरस रहा है। परिवार के सदस्यों ने कई बार जिला प्रशासन से लेकर सरकार के नुमाइंदों से परिवार की हालत के बारे में गुहार लगाई है, लेकिन कुछ नहीं मिला। स्वतंत्रता सेनानी परिवार का पुराना घर इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी बरसात में जमींदोज हो सकता है। स्वतंत्रता सेनानी के सुपुत्र कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि 14 साल की उम्र में पिता आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे और सुभाष चंद्र बोस के रंगून में शुरू हुए आंदोलन में भी साथ ही रहे हैं। उन्होंने बताया कि रंगून से लेकर कोहिमा तक विश्व युद्ध लड़ते रहे हैं, 8 महीने सिंगापुर और रंगून और 4 साल तक कलकत्ता में जेल काटी है। उन्होंने बताया कि पिता के स्वर्ग सिधार जाने के बाद माता को पेंशन मिलती थी, लेकिन बाद में स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि आज पुराना घर जर्जर हो चुका है, तो स्वतंत्रता सेनानी की याद में बनाए गए गेट की हालत भी दयनीय बनी हुई है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि आज पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि माता के स्वर्ग सिधार जाने के बाद अब जिला प्रशासन के द्वारा कोई सुध नहीं ली है, जबकि स्वतंत्रता सेनानी संघ के माध्यम से भी उपायुक्त से कई बार इस बाबत आग्रह किया जा चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई है कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार को मदद की जाए और सम्मान दिया जाए। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि जर्जर हो चुके घर की मरम्मत के लिए प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिली है और आजकल बरसात में कभी भी घर जमींदोज हो सकता है। कश्मीर सिंह ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मुलाकात की थी और स्वतंत्रता सेनानी की ओर से पत्र बनाकर दिया था, लेकिन आज कई साल बीत जाने पर भी कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की ओर जल्द ध्यान दिया जाए। सर, मेरे पिताजी जो है वो हमारे माता जी बताते थे कि वो उनकी अच्छी हेल्थ थी और वो 14 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुए थे और उसके बाद उन्होंने जो है 9 साल नौकरी करने के बाद फिर उनको घर भेज दिया था। उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उनको अंग्रेजों ने फिर दोबारा बुलाया गया। जब बुलाया गया तो उनको फिर लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस जी रंगून गए तो उन्होंने उनको फौज को बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने जो है वो जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके खिलाफ बगावत कर दी और नेताजी सुभाष चंद्र जी साथ वो आ गए। फिर वो स्वतंत्र सैनिक लाए और वो जहाँ फौज के जो है सिपाही कहलाए। उसके बाद उन्होंने जो है रंगून से लेकर कोहिमा तक 6 महीने भीषण युद्ध लड़ा। उसके बाद जब वो एक गद्दार था उनका कौन सी सेना का जो सिपाही था उसने गद्दारी करी तो अंग्रेजों ने घेरा डाल के उनको कैद कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने जो है 8 महीने जेल जो सिंगापुर में काटी है, फिर रंगून काटी है और 4 साल या कुछ महीने जो कलकत्ता में काटी है और उसके बाद जो उनका दिल्ली में कोर्ट मार्शल हुआ है उसके बाद उनको घर नंगा नंगा भेज दिया। उनको कुछ नहीं दिया, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं दी। फिर उन्हें आके आगे उन्होंने केस लड़े, मुकदमे लड़े, तब जाके उनको 10 रुपये पेंशन मिली थी और इनको फिर देर से घोषित कर दिया था कांग्रेस सरकार ने। तो आज हमारी सरकार से ये मांग है कि कम से कम हमारी फादर जो गुजरे हम 14 साल के थे, फिर ये 14-15 साल हमने केस लड़े थे, हमारी मदर को पेंशन लगी और मदर के मरने के बाद हमें कोई फैसिलिटी मिली। हम प्राइवेट में, मेरे बच्चे प्राइवेट में हैं, दिल्ली में हम प्राइवेट काम करते हैं, तो आर्थिक स्थिति हमारी इतना ठीक नहीं है। मगर जो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो स्वतंत्र सेनानियों को जो कुछ स्मारक बने हुए हैं उनकी देखरेख ढंग से नहीं हो रही है, जो उनका जो पैसा पूरा लगाया नहीं जा रहा है और उनके जर्जर हाल है, उनकी देख लो 3 साल में हो गई है, तो कम से कम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो आप मानी मत करो। मेरा प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कम से कम जो 1 साल में एक बार हमें भी याद किया जाए, हमें भी पत्र भेजा जाए समारोह में शामिल होने के लिए और जो हमारे बुजुर्गों के घर बनाए हुए हैं उनका हमने हाथों से ये मकान बनाए हुए कच्चे मकान, इनको जो है हेरिटेज होम घोषित किया जाए और कम से कम एक बड़े बेटे को कुटुंब पेंशन जो है वो गुजारने के लिए हमें दी जाए। और वो कहावत तो आपने बोली है हर साल कि हर साल लगेंगे मेले शहीदों के मजारों पर, यही आखिरी निशान होगा, मगर से तो कुछ भी नहीं है। आज जो हमारे परिवार जो वो अपेक्षा का शिकार है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं हमारा कि भाई आ गए स्वतंत्र सेनानी के परिवार आ गए, क्या है इनके पास।
तो हमसे सरकार से अनुरोध है कि हमें कम से कम इज्जत तो हमें दी जाए और कुछ नहीं दिया जाए। फिर जिंदा थे तब लेटर आता था हमें डीसी साहब का, माता जी को आता था। माता जी के मरने के बाद हमें कोई इसके बारे में कोई भी हमें कोई प्रशासन का या शासन का किसी भी किस्म का कोई हमें जो है कोई बुलावा नहीं आता है। 15 अगस्त जी का कोई बुलावा आपको नहीं? बिल्कुल सर, कोई बिल्कुल नहीं। हमारी संस्था जो है हम खुद जाते हैं डी साहब के पास कि भैया हमें कम से कम, हमारी यही मांग थी कि हमें कम से कम सम्मान के साथ बुलाया तो जाए समारोह में कि भाई उनके बेटे उनका परिवार है, मगर आज तक कोई इसके बारे में कोई भी नहीं है। तो मेरा मीडिया के द्वारा अनुरोध है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही एक अच्छे इंसान है और सारा हमारा मुकद्दर है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री देश का मिला हुआ है, तो हमारे तरफ ध्यान दिया जाए, हमारे परिवारों की तरफ ध्यान दिया जाए, हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाए। मैं आगे मेरा पोता भी है, वो भी अच्छा मतलब पढ़ने में है, तो कुछ मत दी जाए, हमारे बच्चों को भी कम से कम हमें सम्मान दिया जाए। सर मैंने पंचायत के थ्रू भी लिखी थी, पटारियों को गया था, मैंने डी साहब के पास गए, हमारी संस्था के लोग भी गए, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कालिया जी हैं वो भी डी साहब के पास गए थे, तो हमको मैत्री मिली। वो आपने घर का हमारे का हाल देख ही लिया है, वो कभी घर गिर सकता है, कम से कम इतनी मैत्री दी जाए, कम से कम ये जो टूटा हुआ घर है कुछ हिस्सा जो हमने रिपेयर कर सके। तो आज़ादी के इस पर्व में अगर कुछ सरकार हमें कुछ सहयोग करे तो हम सरकार के आभारी रहेंगे। हम अहाँ तो इतना ही गलाई सकते ना उन्हें सरकार से कि एक अहाँ के घर की दशा तो वहाँ दिखे बैठे हो और इस घर की क्या दशा चल रही हो, अहाँ के बच्चे छोटे छोटे कल ये घर टाई आ तो अहाँ कुतू रहेंगे फिर। इतनी ही है कि यहाँ जो जितना दिन रात है यहाँ आज जो बरसाती बड़ा डर लगता, मतलब कि कल उठाई आना है, मेरे बच्चे इतने छोटे वो भी डरते, कभी कोई बरखा होती तो हाँ जो डर लगता कभी कोई, तो इतना ये चाहते कि जितने छोड़ हो चुके हैं तो मतलब थोड़ा बहुत इतना हाँ जो ये है कि मकान सुविधा कर सको। हाँ जी ये तो है कि हाँ दादा उसमें थे आज़ाद हिंद फौज में थे और इनकी जो पारिवारिक दशा है जो पेंशन लगनी थी वो दादी तक तो सीमित थी, लेकिन आगे जो है दुर्दशा वो काफ़ी गंभीर है। क्या कहना चाहेंगे सरकार? ये तो है कि पेंशन तो लगनी चाहिए हाँ जी ताकि सुधार हो सके।